हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे नारियल की चटनी कैसे बनाते हैं। इस चटनी को बना करके आप इडली के साथ या डोसा के साथ खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए मेरे वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मैंने यहाँ पर कच्चा नारियल लिया है और नारियल को तोड़ करके इस तरह से निकाल लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट दिया है। अब इसको मिक्सिंग जार में डाल देंगे। नारियल में 25 ग्राम डालेंगे भुना हुआ चना। भुना हुआ चना का मैंने छिलका निकाल दिया है। 1 से 1.5 इंच के अदरक के टुकड़े को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाल दिया। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें ताजी फ्रेश दही, स्वाद के अनुसार नमक, 8 से 10 कड़ी पत्ता और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पीस लेंगे। इधर तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1 छोटा चम्मच राई, 7 से 8 कड़ी पत्ता को इस तरह से बीच से तोड़ करके डाला है, 2 सूखी मिर्च को आधा आधा तोड़ करके डाला है और ये लीजिए तड़का तैयार हो गया और तड़के को मैंने चटनी में डाल दिया। अब सारे तड़के को चटनी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस तरह से, और इस चटनी को आप डोसा के साथ और इडली के साथ सर्व कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।